हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और आज है 28 अप्रैल और वेडनेसडे है, तो मैंने आज इनका कमरा जो है पूरा सैनिटाइज करवा दिया है। सैनिटाइज़र वाले जो भैया उनको बुला के और पूरा घर ही सैनिटाइज करवा दिया है। इनके रूम को मैंने अच्छे से करवा दिया है और अब क्या है, 1-2 घंटे हो गए हैं उनको गए हुए, तो जितना भी सैनिटाइज़र था वो अच्छे से सूख चुका है सब जगह। तो अब मैंने पोछा लगा दिया है क्योंकि फिर वो चिप 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 हो रहा था सब जगह पे, तो फिर मैंने पूरे में अच्छे से लाइज़ोल डाल के एकदम पोछा अच्छे से मारा है। और लेकिन इनका वाला रूम अभी भी साफ़ नहीं हुआ है, केवल सैनिटाइज हुआ है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे करूं। ये छोटा वाला कमरा भी कई दिन से साफ़ नहीं हुआ है, अंदर वाला भी करना है, दोनों ही करना है। के साफ सफाई के सारे कामों से फ्री हो गई हूँ और आज है बुधवार। बुधवार अच्छा दिन होता है तो इन्होंने भी नहा लिया है। इनको क्या किया मैंने, नहाने के लिए बड़ा भगोना भर के पानी गर्म कर दिया, उसी में डिटॉल डाल के अच्छे से फिर नहा लिया है क्योंकि कई दिनों से इन्होंने नहाया नहीं था। और इन्होंने नहाया है तो मैं इनके लिए गर्मा गर्म चाय बना दे रही हूँ क्योंकि कई दिन बाद नहाते हैं और पहले से ही बॉडी वीक है, तो थोड़ा सा गर्म चाय या काढ़ा कुछ ऐसा ले लेना चाहिए। आज मैंने लाइटर भी धो डाला था जिसकी वजह से जल ही नहीं रहा था, मुश्किल से सूखा है तब जल रहा है, क्योंकि सब चीज धो रही थी तो उसको भी धो दिया। घर में माचिस नहीं मिल रही कहीं पे, दूध गर्म करने के लिए इतना परेशान, मुश्किल से कहीं एक तीली मिली माचिस की फ्रिज के कवर से, उससे फिर गैस जली है क्यों नंदनी, फिर जाके दूध गर्म होगा। तो कभी लाइटर नहीं धोना चाहिए, ऊपर से ऐसे सैनिटाइज कर दो, वो धोखे से धुल गया सारे बर्तनों के साथ। और आज हम बनाएंगे खाने में मसूर की दाल, तो चाय के साथ मैंने खाने की तैयारी भी चालू कर दी है। और मुझे कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे आप लोगों के कि दी आप ज़्यादा काढ़ा मत पिया करिए क्योंकि काढ़ा नुकसान करता है, लीवर में प्रॉब्लम करता है, तो फिर मैंने क्या है काढ़ा इस समय कम कर दिया है, चाय एक टाइम बढ़ा दी है। जैसे बीच में मन है पीने का, काम करते करते थक गए हैं, वैसे हमेशा इतनी चाय नहीं पीनी चाहिए लेकिन इस टाइम पे मन कराता है तो फिर बना लेते हैं, ये भी मांग लेते हैं कभी कभी दोपहर में दे दो, तो इसलिए बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मसूर की दाल निकाल ली है बनाने के लिए। और खाली दाल से तो कुछ होगा नहीं, तो दाल के साथ में मैंने आलू प्याज भी निकाल के रख दिए हैं, लेकिन एक आलू रखी हुई है तो ये मत समझिए कि मैं एक ही आलू बनाऊंगी, वो जल्दी में एक ही निकाल दिए है, लेकिन मैं अभी और आलू निकालूंगी। तो आलू की जो भुजिया बनती है ना, आलू प्याज हरी मिर्च डाल के, वो दाल के साथ में अच्छी लगेगी, क्योंकि जो घर में सामान है उसी से बनाएंगे, नहीं है अभी सब्जियां ख़त्म हो गई हैं, जो लाई थी वो सब ख़त्म, टमाटर भर भर के लाई थी 2 किलो, सब ख़त्म हो गए। इस समय ना डिटॉल साबुन से फेस धुलना है और नारियल का तेल लगा रहे हैं क्योंकि मेरा फेस वॉश क्रीम सब कुछ इसी कमरे में रह गया, तब से मैंने कुछ नहीं निकाला लेकिन अब निकालूंगी। लेकिन ये है ना कि डिटॉल साबुन से भी कुछ दिक्कत नहीं है, तो ये सब मन के भ्रम होते हैं कि चेहरे पे ये ना लगाओ वो ना लगाओ, लेकिन ये है कि डिटॉल साबुन जो होता है थोड़ा सा हार्ड होता है, तो जब लगाओ थोड़ा सा लगाओ हाथ में लेके, कोई दिक्कत नहीं होती है और वैसे भी डिटॉल साबुन सही है। और अभी भी मैं कई जगह देख रही हूँ कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह में मार्केट में भी मास्क नहीं लगा रहे हैं, उन्हें टोका भी जा रहा है फिर भी नहीं लगा रहे हैं, अगर टोकते हैं तो कपड़े से अपना मुंह ढक लेते हैं और उसके बाद फिर खोल देते हैं। अभी भी लोग पता नहीं क्यों नहीं डर रहे हैं, क्या उन्हें मालूम नहीं है, पता नहीं क्या है। नंदनी भी आ गई है नहा धो के चाय पीने के लिए, नहीं चाय छाने के लिए, चाय पिएगी भी छानेगी। तो आज नंदनी कौन सी टी शर्ट पहनी है? इधर घूमना जरा, अपनी टी शर्ट दिखाना घूम के, इधर घूम तो एक बार देख तो चुके हैं, ये जब ये टी शर्ट इसको बहुत पसंद आई थी, इधर ये टी शर्ट इसको बहुत पसंद आई थी और इसने इस टी शर्ट को सिर्फ एक बार धुला है और उसके बाद ये टी शर्ट इतनी बड़ी हो गई है। नंदनी इसका कपड़ा देखो इतनी बड़ी हो गई है, आप कह रही हो मौसी ये मुझे अच्छी नहीं लग रही, आप पहन लो इसे, वैसे बहुत पसंद थी ये टी शर्ट।
और इस टाइम पे मेरा काम दिखता नहीं है, मैं क्या करती रहती हूँ, लेकिन इस टाइम पे मेरा बहुत काम बढ़ जाता है। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है दिन में रेस्ट करने के लिए, बहुत कम टाइम मिल पाता है। सारा दिन काम करते करते ही निकल जाता है और पता ही नहीं चलता कब रात आ गई और फिर सुबह हो जाता है घर के अंदर ही। ग्रीन बुक कहाँ है बेटा अपने घर पे? ग्रीन बुक है ही नहीं, ग्रीन बुक थोड़ी यहाँ मिलती है। मतलब पापा से पूछते हैं, पापा से पूछते हैं, चलो आप पापा से फोन लगा के पूछते हैं ग्रीन बुक कहाँ मिलती है। आओ, अयान को पापा के संग खेलने को मिलता नहीं है, पापा के संग खेलता तो है नहीं, तो वीडियो कॉल में बात कर लेता है, यहीं से खुश हो जाता है, जाता नहीं है उस तरफ। और अभी वो ग्रीन बुक पूछने के लिए फ़ोन कर रहा है और ग्रीन बुक तो भूल गया, वो फ़ोन पे बात करते करते उसको अपने नए खिलौने याद आ गए हैं जो उस दिन लेके आए थे, फिर वो अंदर ही रह गए कमरे में। और इनके कमरे का टॉयलेट वॉयलेट सब खुला है, देख लीजिए सब खोल रखा है इन्होंने, हर जगह से हवा आए ताकि तूफान आ गया, तूफान तूफान आ गया। ये आवाज कैसी आ रही है? गाना है उस पिक्चर का, उसका धड़कन पिक्चर का, लेकिन मुझे कोरोना पे बना दिया। तुम जो कह रहे थे कोरोना, अच्छा के वो करूँगा, सबसे महंगा वाला सैनिटाइजर दे रहा हूँ। तो अभी बज रहे हैं रात के 10 और रात होते होते मेरी हालत क्या हो जाती है, क्योंकि अब क्या है, अयान के पापा उस कमरे में हैं और ये तीन लोग इधर रहते हैं और इतना मचाते हैं, जब एक जगह दो तीन लोगों ने इतना मचाते हैं, वो आके मेरे बाल झपट जाता है, ये आपस में लड़े जाते हैं, इतना मचाते हैं, सारा दिन ऐसे तंग करते हैं ना, दिमाग एकदम ऐसा लगता है ना, एक टाइम को ऐसा लगता है काम करना बंद हो गया, ऐसे चिल्लाते चीख के रह जाते हैं। तो अभी ये गैस किसने छोड़ी थी नंदनी? झूठ मत बोलना। नहीं, बोला ये सब मत सिखाओ भाई उसे। तो अभी क्या है, सोने का टाइम हो रहा है, तो नंदनी पी रही है यहाँ पर हल्दी वाला दूध और मेरा भी यहाँ पर रखा है, थोड़ा सा गर्म है, तो ये चीनी से नहीं, गुड़ के साथ में, गुड़ भी है उसके हाथ में उधर छुपाने वाला है, गुड़ और दूध हल्दी वाला, क्योंकि ये फायदा करेगा। अयान चलो औंधे पड़े हो, चलो मम्मा के संग सोओगे, चलो हाँ चलो सोएंगे, नीचे सोएंगे। तो ये जो यहाँ पर फोल्डिंग है इसमें नंदनी सोएगी और मेरे बिस्तर नीचे लगे हुए हैं यहाँ पर, तो उसे तो एक गद्दा भी रखा हुआ है लेकिन उसे हम यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दो चार दिन इन्होंने शुरू में उसको यूज कर लिया था, वो धूप में भी पड़ा रहा लेकिन अब वो कमरे में पड़ा है तो उसको यूज करने का मन नहीं करता, तो मैं यहीं लौट जाती हूँ, क्योंकि जमीन में मुझे बहुत अच्छी नींद आती है और मेन चीज मेरे पैरों में दर्द होता है ना, तो जमीन में लेटने में मुझे बहुत आराम लगता है पैरों के दर्द से। हाँ दूधू है, तुमने पी तो लिया अपना दूध बोतल वाला? हाँ जानू का रखा है, अभी गर्म है, पिएगी जानू। तुमने पी लिया अपना? अयान ने अपना पी लिया है क्या बेटा? इनान ने अपना पी लिया, छोड़ भी दिया है कि वो रखा है इनान का दूध और जानू का दूध। अच्छा इनान ने पी लिया, इनान ने छोड़ भी दिया है थोड़ा सा, वो रखा है लेफ्ट राइट नहीं है, गुड नाइट है, लेफ्ट राइट नहीं है, गुड नाइट बाय। चलो सबको बोलो गुड नाइट, सुबह मिलते हैं, अभी वीडियो एंड नहीं है लेकिन हम सुबह मिलेंगे, क्योंकि हम सोएंगे फिर उठेंगे फिर मिलेंगे। तो अभी सीन ये है कि अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 बज रहे हैं, अभी मैंने नहाया धोया नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे पूरा टाइम टेबल खराब हो चुका है, पूरा बर्बाद हो चुका है, कोई भी काम मुझसे टाइम टेबल से अब नहीं होता है, क्योंकि डेली मैं उठने में लेट हो जाती हूँ कुछ दिनों से, जब से इनकी तबीयत खराब हुई बीच में सब कुछ बदल गया, रात में लेट सोना, सुबह लेट जगना, रात में कभी 1 बज जा रहे हैं, 12 बज जा रहे हैं, सोते सोते नींद ही नहीं आती है, क्योंकि सब इधर उधर, कहीं ये कहीं वो कहीं ये, ऐसे ही सब हो गया है। तो थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ ये टाइम टेबल भी फिर से फिक्स हो, और आज सोच रही हूँ कि इस कमरे की, क्योंकि कल है फ्राइडे, तो मैं सोच रही हूँ पूरा घर साफ हो जाए ताकि ये भी फ्री होके सब जगह खेल सके। तो जितने भी कपड़े वपड़े हैं मैं सोच रही हूँ आज सारे भिगो के मशीन में डाल डाल के धो धो के धूप पे डाल दूं, और थोड़ा बहुत सफाई करना चालू कर दूं उस कमरे की। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या, और मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि इनके रूम की सफाई मैं कैसे करूं, तो मैं सोच रही हूँ जो एक बड़ी वाली कट्टी नहीं आती है सैनिटाइजर की 5 लीटर वाली, वो मंगा लूं और उसमें से थोड़ा सा सैनिटाइजर उड़ेल के और एक छोटी टॉवल लेके
पूरा अपने आप को कवर करके सब जगह सैनिटाइजर लगा दूं टॉवल से, और पूरा फर्श वर्श में भी उसी से पोछा लगा दूं, वॉशरूम साफ कर दूं क्योंकि ऐसे ही क्लीन होगा, कबर्डों के अंदर सैनिटाइजर स्प्रे कर दूंगी, कपड़े सारे निकाल के धो दूंगी, इतना ही कर पाएंगे और क्या करेंगे। बाकी इतने दिन से कमरा यूज नहीं हो रहा है, तो वैसे भी सारे जो वायरस होते हैं वो डेड हो जाते हैं कहते हैं 10 दिन में, तो 10 दिन से ही है, 10 दिन से सफाई नहीं हुई है, झाड़ू नहीं लगी है, तो आज मैं सोच रही हूँ हिम्मत करके सारा सफाई करूँ। थक तो जाऊंगी क्योंकि पैरों में वैसे ही पहले से दर्द है, लेकिन कर लें, करना तो है ही ताकि सब क्लीन क्लीन हो जाए। एक दिमाग में गंदा गंदा सा लगता रहता है ना, अभी घर गंदा पड़ा है, इधर पड़ा है, उधर पड़ा है, वो सारा क्लीन क्लीन हो जाएगा और हमारे अयान भी कम से कम खुल के खेल पाएंगे, क्योंकि इस टाइम पे बाहर तो जाना नहीं है और घर में भी पूरी जगह खेल नहीं पाएगा, तो उसके लिए तो एक ये सजा हो गई। ये क्या कर रहे हैं मेरा चुटकुला, क्या कर रहे हैं, पुलिस कॉल लेके गुस्सा हुआ है। बच्चों को टाइम पास के लिए कुछ ना कुछ मिल जाता है, वो अपना साधन ढूंढ लेते हैं। पिछली बार क्या था, सब कुछ बंद था तो लोग डर की वजह से बाहर नहीं निकल रहे थे क्योंकि निकलने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब क्या है कि लोगों को कोई रोक टोक नहीं है, तो रोक टोक हमें अपने आप लगानी है क्योंकि जान बची तो लाख हो पाए, इसलिए बाहर जितना हो सके ना निकलें। क्योंकि मैं कब सब्जी लेके आई थी, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया, सब्जी ख़त्म हो गई है घर पे, लेकिन मैं लाई नहीं हूँ। 100 बार सोच रही हूँ लाने से पहले कि एक बार फिर भर के ले आऊँ 1-1.5 हफ्ते की, फिर बाहर ना जाना पड़े, कम से कम जाना पड़े। एक आध दिन बिना सब्जी से काम चला लो, दाल बना लो, बरी बना लो, कुछ भी बना लो, कभी खाली प्याज की सब्जी छोंक दो, ऐसे जुगाड़ लगा लगा के खाओ ताकि पेट भरता रहे। तो चलिए वीडियो को कर दूं मैं एंड, लग जाऊं अपने काम में, मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। इधर देखो, बाहर निकल आओ, तुम्हारा ही नंबर आ गया है।